राजा सुर्त नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप दोषी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सुर्त की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुर्त की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। वन में समाधि नाम का एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सुर्त की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है, इसका कारण क्या है। महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या दो रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आधिकरण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सुर्त ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है, उसका जन्म कैसे हुआ। महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके ननों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र नासिका मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेजपुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेजपुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनाकर मेघा ऋषि ने राजा सुर्त तथा बनिया से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सुर्त ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया।